सभी जानते हैं लॉकडाउन के पश्चात सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। तो वहीं आसनसोल में ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का आसनसोल के दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप लगाया गया है। छात्रों के अभिभावकों ने कहा, शनिवार को हमें नोटिस आता है कि जिन लोगों ने फीस नहीं भरी है वह जल्द भर दे, नहीं तो क्लासेस बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं सोमवार से बच्चों की क्लासेस बंद कर दी जाती है, जिससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल में आकर प्रदर्शन किया और साथ में लिखित भी आवेदन दिया कि जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। लॉकडाउन के कारण रोजगार की ऐसी ही मार है, ऊपर से फीस का बोझ एक साथ पड़ जाएगा तो कैसे देंगे, हम लोग यही कहना था। छात्रों के अभिभावकों का स्कूल की तरफ से कहा गया है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लास चालू कर दी जा रही है, लेकिन जल्द आप लोग की मीटिंग स्कूल के मैनेजमेंट के साथ कराई जाएगी। हम लोग ने स्कूल को अपना प्रस्ताव रखा कि जब आप हमें एसी थर्ड फर्स्ट क्लास का जब भाड़ा ले रहे हैं तो जनरल का पैसे सवारी क्यों दे रहे हैं हमें, आप ट्यूशन फीस कम नहीं कर रहे हैं, एनुअल फीस कम नहीं कर रहे हैं, और आपने बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन किए, आपने जो बच्चे फीस नहीं दिए हैं उनका आपने ऑनलाइन क्लासों को हटा दिया। इस संबंध में हमने उनको एक ज्ञापन दिया है, इसका रिगार्डिंग उन्होंने हमसे समय भी मांगा है, 3 दिन के अंदर वो मैनेजमेंट से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इमीडिएट पहले बच्चों का ऑनलाइन क्लास चालू करिए और फीस रिगार्डिंग जो भी हो, आप सफ़र करें तो हम भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे सारे पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, आपका जो पेमेंट है हमारा सबका भी पेमेंट है, उसको एक नेगोशिएशन टेबल में ला के खड़ा करिए। उसको हम लोग फीस दे देने के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन फीस में नेगोशिएशन होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम स्कूल हमसे फीस मांगती है उसका जब हम पूरा लाभ ही नहीं ले सकेंगे तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए इतना फीस क्यों दें। आज उन्होंने बोला है तो स्कूल ने हमें कहा कि आप मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए, एक और एप्लीकेशन दीजिए कि ऑनलाइन क्लास चालू करना है और फीस का रिगार्डिंग क्या आपका डिमांड है, उसके लिए एक एप्लीकेशन मांगा है। हम लोग आज थोड़ी देर बाद मेल ही कर देंगे उसको, उसके बाद देखते क्या होता है। कल तक अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लास चालू नहीं किया तो यह आंदोलन हम लोग और बहुत तेज करेंगे। आपका नाम? अरविंद कुमार साहु, मुंशी बाजार। क्लास टूते पढ़े आराध्या दत्त नाम। তো আজকে আমরা এখানে এসেছি, হঠাৎ করে আমাদের ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের ইনফরমেশন প্রথমে দেওয়া হয়েছিল যে আমরা মে জুন মাসে দিতে পারি পেমেন্ট, জুন মাসের 30 তারিখ পর্যন্ত আমাদের ডেট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে উইদাউট এনি ইনফরমেশন একটা ইনফরমেশন এলো শনিবার বিকেলবেলার দিকে, দুপুর দিকে। কিন্তু দুপুর দিকে আসার পর তো ধরুন শনিবার বা রবিবার তো কোনো স্কুল বা ব্যাংক খোলা থাকে না যে আমরা পে করবো, তো সেই কোনো মানে সময় দেওয়াই হলো না আমাদেরকে। কিন্তু সোমবার থেকে হঠাৎ করে ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল, যাদের ফিস পেন্ডিং আছে একমাত্র তাদেরই, কিন্তু বাকিদের যারা পে করে দিয়েছে তাদেরকে তাদের ক্লাস নর্মালি যেমন হওয়ার হচ্ছে আমাদের কোনো রকম ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি। তো সেটার এগেনস্টেই আমরা এসেছি আজকে, যে কেন করা হলো সেটা বলার জন্য। হ্যাঁ।